How are you all? Yes, see, I am fine. Thank you. I am also fine. Okay? क्योंकि आपको क्या पूछना है इसके आगे next sentence क्या है? What about you? So when anybody say कि how are you? You should say I am fine. Thank you. What about you? Okay? Okay. Now look here. Today which subject we study? Maths. What is maths? मैथ्स में क्या कौन सी चीजें आती हैं? यस, नंबर्स, शेप्स एंड कॉन्सेप्ट. कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं? मैम ने आपको टीच किया था ना? यस, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट. ओके, नाउ लुक हियर. टुडे व्हाट वी डू? टुडे वी डू ऑब्जेक्ट काउंटिंग. आपने लास्ट टाइम भी ऑब्जेक्ट काउंटिंग किया था, बट उसमें आपने मैचिंग किया था, है ना? Now today we write the number, count the object, then we write the correct number. Okay? तभी तो आपसे आपकी chocolates count करते बनेंगी, आपकी new new pencils आप count करोगे. Okay? Now look here, what we do? Okay? Look here. How many balls are here? Tell me. You count it and write their number. Okay? How many balls? Touch with your finger and count it. 1, 2. 1, 2. So which number I write here? Tell me. मैम ने क्या बोला? 1, 2. It's mean last में क्या बोला? 2. It's mean हमारे पास 2 balls हैं. Count 1, 2. तो यहाँ पे मैम कौन सा नंबर लिखेंगी? नंबर 2. यू रिमेम्बर ना हाउ टू राइट नंबर 2? यस, फर्स्ट वी मेक वन स्मॉल कर्व एंड आफ्टर दैट स्लिपिंग लाइन. ओके, नाउ लुक हियर, हाउ मेनी स्टार्स आई हैव? 1. यू काउंट इट, काउंट इट वन बाय वन एंड टेल मी. ओके, नाउ लुक हियर, काउंट द स्टार्स. कैसे काउंट करना है? फिंगर से टच करके. 1, 2, 3, 4. टेल मी हाउ मेनी स्टार्स आई हैव? मैम ने लास्ट में कौन सा नंबर बोला? अगेन लिसन, 1, 2, 3, 4. क्या बोला मैम ने? 4. इट्स मीन आई हैव 4 स्टार्स. सो आई राइट हियर नंबर 4. How to write number 4? Yes, first we make one big standing line, after that small standing line, join with small slipping line. Okay? This is number 4. Okay, now look here what I make here. You count it one by one. Okay? आप इसको वन बाय वन टच करके जब काउंट करोगे ना, तभी आप करेक्ट ऑब्जेक्ट काउंट कर पाओगे. ओके, लुक हियर, काउंट द कप्स. 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मेनी कप्स आर हियर? टेल मी. मैम ने लास्ट में कौन सा नंबर बोला? 5. अगेन 1, 2, 3, 4, 5. How many cups are here? 5 cups. How many cups are here? 5. तो हमने जब काउंट में 5 बोला है ना, तो इसका मतलब होता है आपको 5 नंबर को लिखना भी है. ओके, यू राइट हियर नंबर 5. कैसे नंबर 5 लिखेंगे? लुक हियर, वन स्लिपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड वन लेफ्ट हैंड साइड ओपन कर्व. ओके, दिस इज कॉल्ड नंबर 5. चलो मैम एक और आपके लिए बनाते हैं ऑब्जेक्ट. लुक हियर, हाउ मेनी एप्पल्स आई हैव? टेल मी, काउंट इट. 1. नो एप्पल. सो इट्स मीन आई हैव ओनली 1 एप्पल. तो आई राइट हियर नंबर 1 बिकॉज आई हैव 1 एप्पल. ओके, अगर आपको फिंगर से काउंट नहीं करना है तो आप अपने पेंसिल से टच करके भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं? उसको क्रॉस करके. 1, 2. 1, 2.
आई राइट हियर नंबर टू. नाउ काउंट द स्टार. वन टू थ्री फोर. फोर आया हमारे लास्ट नंबर इज फोर. तो आई राइट हियर फोर. आफ्टर दैट काउंट द कप्स. वन टू थ्री फोर फाइव. विच नंबर इज कम एट लास्ट. फाइव. तो दिस इज नंबर फाइव. नाउ काउंट द एप्पल. वन. ओनली वन एप्पल. तो आई राइट हियर वन. आपको काउंट कैसे करना है? स्लोली स्लोली और वन बाई वन एक एक करके टच करके करना है, तभी आपकी ऑब्जेक्ट काउंटिंग करेक्ट होगी. ओके. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट काउंटिंग एंड हाउ टू राइट द करेक्ट नंबर. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट काउंटिंग. काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द करेक्ट नंबर. ओके किड्स, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट काउंटिंग. ऑब्जेक्ट काउंटिंग मीन्स काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द करेक्ट नंबर. अगर नंबर राइट करना है तो आपको नंबर राइट करो. यहाँ पे अगर मैम ने कहा है काउंट द ऑब्जेक्ट एंड मैच विथ करेक्ट नंबर, तो फिर आपको करेक्ट नंबर से मैच करना. बट टूडे वी डू एक्सरसाइज काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द करेक्ट नंबर. मतलब आपको ऑब्जेक्ट काउंट करके उसका करेक्ट नंबर लिखना था. ओके ओके थैंक यू.